रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ छवि। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बहुत कम रिलीज होती है क्योंकि हमारे इंडिया में अगर कोई आदमी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता है तो उसको पहले तो जिगर होना चाहिए और उसके बाद में वो जितने पैसे कमाता है उसको डॉक्यूमेंट्री में लगाना चाहिए। उसके ऊपर वो रिलीज करने के लिए करता है, उसमें एक नेक्स्ट बैटल आती है। लेकिन वॉरेन परेरा है, ये एक इन्होंने उस्ताद नाम के टाइगर को शूट करने स्टार्ट किया और उसकी ज़िंदगी के मोड में खुद ही उलझ गए। और आज जब इनकी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने जा रही है, उस्ताद जयपुर के जू में अपना दम तोड़ दिया उसने, और उस उस्ताद के मेमोरी में हम ये फिल्म डेडिकेट करते हैं। मैं पहले बिट्टू सहगल जी से पूछना चाहूँगी कि ये टाइगर पे फिल्म बनना ही क्यों है? टाइगर पे फिल्म बनना क्यों है? क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये नहीं कि ये नेशनल एनिमल है, ये है वो है, लेकिन बात ऐसी है कि बाघ हमारे बच्चे हैं, किड्स फॉर टाइगर्स, उन्हें हम ये सिखाते हैं बाघ बचाओ भारत बचाओ। पुराने ज़मानों में तो कहते थे कि जंगल नदी की माँ है, वो टाइगर के बारे में ये भी कहते थे कि टाइगर पट्टेदार पानी का देवता था, वो बोलते थे। आज भी लोग गांव में यही मानते हैं कि ये टाइगर पट्टेदार पानी का देवता है, जहाँ जहाँ टाइगर होगा वहाँ वहाँ पानी होगा। तो टाइगर को क्यों बचाओ, ये नहीं कि भाई टाइगर को हक होता है जीने का और लायन को नहीं होता है, या हाथी को नहीं होता है, या चूहे को नहीं होता है। बात ऐसी है कि अगर टाइगर को बचाएं तो जो बच्चे समझते हैं, मैं अभी 12 साल के बच्चों की बात करता हूँ, वो सीधा समझ जाते हैं बच नहीं पाएगा जब तक जंगल ना बचे। जंगल बचेगा तो जब बारिश गिरती है तो वो बारिश को चूस के नदी को पानी मिलता है। तो कारण ये है कि जब आप बीमार हो जाएं तो आपके मुंह में थर्मामीटर डालेंगे देखने के लिए कि आप बीमार हो कि नहीं। अगर जंगल को हमने देखना है कि स्वस्थ है या मरीज़ है, तो टाइगर है तो आप मानो कि पानी है, अगर टाइगर है तो मानो कि हिरन है। तो इट्स एन इंडिकेटर स्पीशीज़, ये कह रहा है लोगों को कि अगर मैं हूँ तो मानो कि ये जंगल तंदुरुस्त है। अगर टाइगर एक 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 करके गायब हो गया तो जंगल एक 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 करके गायब हो सकता है। तो लंबा चौड़ा जवाब दिया मैंने, आपने छोटा प्रश्न पूछा। आई करेक्ट माय सेल्फ, ही डाइड इन उदयपुर ज़ू। उदयपुर, बट इंटरेस्टिंगली दिस डॉक्यूमेंट्री वन एट द जयपुर फिल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एंड इट हैज वन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स एवरीवेयर। I mean, I was following him because I just liked the tiger, to be honest, and I wanted to make a documentary on a tiger. And the picture behind right now is the first time I saw him in the water looking at me, and I felt like I had a connection. So there wasn't any grand reason for conservation, but this tiger that I was following happened to become controversial, happened to allow me to tell a story that shows you the real ground reality management of a tiger reserve, where you cannot focus just on one individual tiger. There are multiple stakeholders. There's other tigers, there's the villagers, there's the forest staff, there's amount of funding, there's hotels, there's a lot of things that go into managing a tiger reserve. And this documentary allows us to talk about all that and allows us to show tiger reserves in India for what they really are. They're managed wild spaces. They're a lot smaller than people think. And they are compromised. Just on the edge of all these tiger reserves, there are villagers living literally inside or on the edge of critical tiger habitat. And I was forced, and I'm happy I was forced, to show that reality, which is something that traditionally a documentary would not show. You would actually just show it as this pristine area, which is perfect and expansive. But I felt like T24's story allowed me to show the complexity of managing a tiger reserve. And I hope that's helpful for conservation, or at least starts the conversation around it. Besides winning at the Jaipur International Film Festival, you received critical acclaim. You received the Panda Award at the Wild Screen and many other awards. At the same time, an awarded documentary like yours is still fighting the same battle that Ustad fought to stay in his home. So how does that feel, coming back home to release this documentary in memory of Ustad? I mean, it's feeling better and better. I was really nervous about bringing it here because it's a massive expense to make these films and a massive expense to continue releasing it. But I feel like if anyone needs to see it, India needs to see this. It's ultimately an Indian story. The tiger is the national animal of India.
The tiger is the health of this entire country's ecosystem. And he went to the high court over here. You know, he went to the Supreme Court over here, and there's never been a tiger that's commanded the attention of the Supreme Court. The high court had billboards erected, galvanized all these people, the Forest Department, activists, all at the same time. And so I feel like it would be wrong not to show it over here, and it's very difficult to do it, but I'm glad we're showing it on the big screen, not just because I'm a filmmaker, but I just think there's a community element to watching something on the big screen and then coming out and being able to talk about it afterwards. Rupali, on one hand, you're from Bollywood. On the other hand, Ustad's life looks like straight out of a Bollywood pot boiler. Oh, so, yes. How do you feel about Ustad's story? Actually, first of all, thank you, Warren, for showing me such a beautiful film. Aapko shayad lag raha hoga ki ye documentary hai. But let me tell you, this documentary mein love, romance, separation, tragedy, इतने सारे इमोशंस थे कि मुझे एक वक्त के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही हूँ. ऑफकोर्स एजुकेशनल फैक्टर उसमें ज़रूर था, बट अगर उस्ताद एक इंसान, एक हीरो होता तो लिटरली एक बॉलीवुड मूवी बन सकती है उसके ऊपर. एंड लेट मी टेल यू, मैं अगर उस्ताद को देख रही थी, मुझे सलमान खान याद आ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था ओ माय गॉड सलमान खान के साथ ये होगा, ऐसे होगा. What a movie, what a documentary that you just presented. And I did read about this when this was, in the news. But kahin na kahin hum, jab ek city mein rehte hain na, itni information hame nahi mil paati. But jis tarah se Warren ne dikhaya tiger reservation ke baare mein, unke life ke baare mein, and what exactly happened with T24, I think ye bahut ek unbiased, एक बहुत टचिंग एंड बहुत ही एक आई ओपनर फिल्म रही है. एंड फर्स्टली लेट मी वेलकम यू टू माय कंट्री, बिकॉज दिस इज़ व्हाट माय कंट्री, दिस इज़ द वाइल्ड एनिमल ऑफ माय कंट्री, एंड द मैन एंड द वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. आई एम नॉट देयर टू डिबेट अबाउट दिस, देयर आर सम वेरी लर्नड पीपल हु कैन डिबेट अबाउट दिस, बट लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मूवी. इट्स अ स्टोरी अबाउट उस्ताद, हुज मेजेस्टिक, इंस्पिरेशनल, एंड लेट मी टेल यू, ही इज़ अ हीरो. He's a hero, true hero. Is it important for conservation films to actually have a commercial life too? I think it's not just important for them to have a commercial life. I think for conservation films to reach down to the masses is a matter of survival tomorrow. Today you take the pandemic, very few people know the pandemic. Direct result, the reason the pandemic came was the wildlife trade and the destruction of ecosystems. There's something called the Dasgupta Review. So, $40 billion tiger trade, poaching ke, and it caused a $40 trillion loss. So, the economy is also. So there are so many nuances to this, but it's very, very necessary, which is why we actually. Main sach bolu to main apne buzurg logon ko. नमस्ते करके मैं भूल ही जाता हूँ कभी. मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ क्योंकि बच्चे समझते हैं, बच्चों के दिमाग में सुनते हैं समझते हैं, उनका दिल धड़कता है. लेकिन हम लोग को तो ऐसा पता नहीं क्या हो गया है हमारे दिमाग को. आज का देश की हालत आप देखिए, कुछ भी देखिए, कि ये मेरा हक है. क्या हक है कि जंगल में जाओ इतनी तादाद में, क्यों जाओ इतनी तादाद में? अरे जंगल जो है वो उसके जीव जंतु सिर्फ टाइगर नहीं है. These are the sources of our rivers, these are the sources of our culture, our art, our music, our dance, our history, everything came from the jungle, our religions came from there. If you kill the source of your inspiration, what is going to be left? The film you made is a very, very even-handed film. When I saw the film, it was very even-handed, it caused a lot of consternation. Those people like Valmek or myself or the others who were actually working in Ranthambore long before tourism was even a thought, we actually made 30 documentaries on the tiger in 1984. Mm-hmm. And at that point, we used to go in Ranthambore for 10 days and not even see tiger 30. In fact, hum kehte the wahan tiger burning bright in the forests of the night. We searched through grass, we searched through matti, all we found was tiger 30. और टाइगर टट्टी दिखी तो हम बड़े खुश हो जाते कि हाँ टाइगर है यहाँ, टाइगर है यहाँ. तो वहाँ से देखो आज के दिन में कुदरत अपने आप पनपती है. हमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है.
जो भंवरा है, जो पक्षी है, जो दीज आर द गार्डनर्स ऑफ ईडन, ये हमारे वन के माली हैं, उनको रहने दो। कैलाश सांखला जी को मैं याद करता हूँ, ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। उन्होंने ये कहा था कि भाई जंगल में आप अपनी दखल अंदाजी न करें, आप जाइए वहाँ, देखिए वहाँ, लेकिन द फॉरेस्ट लुक्स आफ्टर इट्सेल्फ। सो आई वुड से दैट एट दिस मोमेंट इन टाइम देर इज़ अ वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर कनेक्शन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी, द टाइगर रिप्रेजेंट्स इट, एंड द पैंडेमिक विच वॉज कॉज्ड, एंड द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, एंड द क्लाइमेट क्राइसिस। मौसम का बदलाव हो क्यों रहा है? एक तो कोयला वोयला हम ऊपर फेंक रहे हैं, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि टाइगर के जंगल हो या आपके घर में एक पौधा आप लगाएं, जब तक एटमॉस्फेरिक कार्बन, इट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, दैट ब्रिंग्स इट डाउन। तो आज के दिन में ये मौसम का बदलाव कितने लोगों की ज़िंदगी को हराम कर दी उसने। तो बाघ एक ऐसा जानवर है जो ही इज़ गिविंग अस अ सॉल्यूशन। वो कह रहा है हमें जीने दो, हम आपको जीने देंगे, सीधी सीधी बात है। और एक अखीरली बात यह है कि आजकल के दिन में बहुत लोग झगड़ते हैं, रिलीजियस फाइट्स होते हैं, रिच एंड पुअर होता है, कभी ये होता है वो होता है, लेकिन सोचा जाए तो आज के दिन में अगर राम भगवान को वनवास लेना पड़े तो कौन सा जंगल ढूंढेंगे वो? सोचने की बात है कि राम भगवान की असली मंदिर तो जंगल है, जंगल में ही है। और आप कोई भी दुनिया में कहीं भी जाओ तो पानी की पूजा करते लोग। इस देश में, इस कमरे के चौड़ाई में कोई भी नदी है आपको मिलेगी नहीं जहाँ कि उसके स्रोत में एक मंदिर ना हो। मैं अमरकंटक जैसा बड़ा मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पत्थर जमा जमा करके वहाँ जाके पूजते थे। इसीलिए तो हम सूरज को पूजते हैं, इसीलिए तो हम बाघ को पूजते हैं। आप कोई भी जगह जाओ, दुर्गा का वाहन कौन है? शेर। फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में इतनी समझदारी है, हमारे देश के दिल में इतनी धड़कन है कि मैं वॉरेन को कहूँगा कि जाके अमेरिका में, यूरोप में, यहाँ जाके सिखाओ उनको कि भाई आप कुदरत के मेहमान हो, कुदरत के मालिक नहीं हो। तो ये टाइगर 24 के फिल्म के लिए मैं आपको बिग हक देता हूँ कि आपने बनाया है। लोग झगड़ते हैं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन टाइगर जीने चाहिए। टाइगर नहीं जिएंगे तो हम भी नहीं जिएंगे। इस बात में मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, क्या टाइगर 24 मैनीटर था? हाँ था, टाइगर 24 मैनीटर था, लेकिन वो मैनीटर खुद ब खुद थोड़ी बन गया, वो बनाया गया था, बनाया गया था। हमने ज़्यादा दखल अंदाजी दी, जो कैलाश सांखला जी कहते थे कि भाई डू नथिंग एंड अलाउ नथिंग टू बी डन, कीप द टाइगर प्रोटेक्टेड, कीप इट्स फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड, नेचर विल फिक्स इटसेल्फ। वो हम भूल गए। तो हमारे घर में अगर मैं एक पालतू कुत्ता को रखता हूँ तो मैं उसको वेट के पास ले जाऊँगा, उसको एंटी रेबीज शॉट दूंगा, उसको ये दूंगा, उसको वो दूंगा, देना पड़ता है क्योंकि मैं उसका माई बाप हूँ। लेकिन मैं टाइगर का माई बाप नहीं हूँ, टाइगर का माई बाप कुदरत है, जंगल है। अगर उसको हम जंगल दे दें, वो हमें सांस देगा, पानी देगा, जीवन देगा। नॉर्मली फॉरेस्ट के अराउंड एक लेयर होता है और उसके बाद सिटी आता है या ह्यूमन ड्वेलिंग आता है, इसमें वो सेंटर लेयर था ही नहीं। तो आपको लगता है कि ह्यूमन डिसीजन की वजह से एरर हुआ? क्या T24 को वाइल्ड से निकाल देना चाहिए था, क्योंकि उसके घर में तो हम गए? व्हाट डू यू फील फॉर इट? वेल आई मीन, सो रणथंबोर व्हेन इट वाज स्टार्टेड वाज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व्स, एंड ऑल दीस रूल्स विद प्रोजेक्ट टाइगर आर ग्रेट, बट देयर आइडियाज एंड देयर कॉन्सेप्ट्स, सो द आइडिया ऑफ हैविंग अ कोर and a buffer, and then the human settlement is an ideal concept. So we don't have that in Ranthambore. Ranthambore does not have a buffer, but they have expanded the core area about 100 square kilometers in the past 10 years. So yeah, ideally, Ranthambore should have a buffer, but nothing is ideal in a tiger reserve. We strive for that. And so they're always managing, you know, these tigers within this compromised, what I think is a compromised core. As far as the man-eater question, you know, to me it's not an important question, but it's a great way to draw an audience to this film and other conservation topics. If you go back, the British old definition of a tiger seeking out human prey and going after humans, he's not. If you go to a more evolved modern definition that he did eat people, he is. But
to me, the bigger question was, wildlife decisions are never perfect, and they have to make them on the spot. At the time that T-24 was allegedly or killing people, there weren't many attacks in Ranthambore. And if you were there that month after the attack, it was a pretty tense situation with the guards, with the villagers, Sherpur village, because I was actually there on the ground looking at all this stuff. So I think the decision was more made based on all that. It wasn't like someone said, he's a man. That was more on social media and everything. The chief wildlife warden actually says danger to human life, and they take a lot of things into account. There was a committee, everything else. But like I said earlier, I think it's great to draw an audience to the film. And hopefully, because of this man-eater question, they can look at the other concepts that are actually, I think, more important for conservation. Bitu, I want to ask you a question. Mm-hmm. Sher apne jungle mein rehta hai, uske bachche hain. It's his job to protect his children. We make our settlements in the middle of the jungle. So how would you define him a man-eater? See, I'd put it like this, that you can't define him a man-eater. You have to discover whether he is intentionally killing human beings or whether he is accidentally killing human beings. Because an accidental, I can walk into a bush, there's a tigress over there with cubs, so ek jhapatta maregi, main mar gaya. So wo baat alag hai, lekin man eating ki is tiger ke bare mein main baat karta hu, jo postmortems hue hain, tiger ko yahan se pakda hai. Tiger ne विक्टिम्स को यहाँ से एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार पीछे जब टाइगर अटैक करता है उसका मतलब है कि वो अटैक कर रहा है. मैं पैदल गया हूँ, मैंने टाइगर देखे हैं चार पांच छह दफ़े रणथंभौर में ही. टाइगर हाँ करता है ऐसा कर, उसका कारण कहने का ये है जैसे कुत्ते भौंकते हैं. क्यों भौंकते हैं? कि भाई जाओ, मैं झगड़ना नहीं चाहता हूँ आपसे, जाओ, ये मेरी जगह है. ये सड़क पे किसी को, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सड़क पे किसी को इस टाइगर ने नहीं मारा है. लेकिन जो लोग जंगल के अंदर गए तो उसको एक आदत पड़ गई थी कि ये इंसानों ने पहले तो ही गॉट अ पॉक्यूपाइन क्विल, देन ही गॉट इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज. पांच दफ़े चार दफ़े उसको, मतलब कि एक पालतू कुत्ते के जैसे हमने उसको ठीक किया, फिर वापस भेजा, ठीक किया. ही गॉट यूज्ड टू अस एंड ही डिडंट लाइक अस. एंड इन दिस केस मैनी पीपल सेड कि भाई वो अंदर क्यों गए थे? अरे फॉरेस्ट गार्ड है यार, फॉरेस्ट गार्ड अंदर नहीं जाएगा तो कहाँ आपको सवाई माधोपुर थोड़ी ना प्रोटेक्ट करना है, वो तो पुलिस का काम है. तो मैं कह रहा हूँ कि अगर फॉरेस्ट गार्ड को ही मतलब डर लग जावे. और दूसरी बात ये है कि गांव वाले, मैंने रणथंभौर में देखा है कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेता है, एक टाइगर समझो कि पाँच उंगली एक जैसे नहीं होती हैं, इस टाइगर को T-24 को मैंने देखा है इस साइज़ के अल्सेशन कुत्ते के साइज़ के, इतना प्यारा टाइगर मैंने देखा ही नहीं है. मैं कहता हूँ कि आप सलमान खान वगैरह बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं है इसके सामने, कुछ भी नहीं है. मैं कहता हूँ इसको देख के आपको ऐसा लगता था कि भाई ये है जीवन, ये है कुदरत. लेकिन अगर उसको हमने सता सता के मतलब उसको बना दिया ऐसा, तो फिर हमारा फर्ज ये भी बनता है कि अगर एक टाइगर के कारण गांव वाले, उनकी बच्चों को खतरा पड़ता है, उनके मवेशियों को के ऊपर हमला होता है उनके, तो उसको हटाना ज़रूरी था. अगर उसको न हटाते तो हमने देखा है रणथंभौर में क्या हुआ, 20 टाइगर मारे गए थे कुछ साल पहले. क्यों? क्योंकि लोग कहते थे कि नहीं टाइगर को, नहीं टाइगर को बचाओ. वाल्मीकि और मैं भी कहते थे कि भाई जहाँ तक हो सके पहले पक्का करो कि ये एक नहीं दो नहीं तीन हो गए तो फिर इसको हटा दो वहाँ से. लेकिन नहीं हटाया था पास में. हम ये नहीं चाहते थे, अभी मुश्किल से रणथंभौर वापस आ रहा था, हम ये नहीं चाहते थे कि गुस्सा ऐसा हो जावे. ये भी नहीं, फॉरेस्ट गार्ड के लोग लड्डू है, ये है वो सब, ये फॉरेस्ट गार्ड हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं साहब मैं अंदर क्यों जाऊँ, मेरी भी तो परिवार है. कि मैं अगर, मैं भी जानता हूँ उसको, मैं ज़्यादा ही कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको सीधी बात है ये कि एक टाइगर को बचाते बचाते अगर 20 टाइगर को किसी ने जहर खिला दिया तो क्या करोगे आप? तो किस किस्म का प्यार हुआ ये? और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि टाइगर जू में रहे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ. मेरा दिल टूट जाता है देखते देखते, लेकिन मेरा दिल ज़्यादा टूटे अगर 20 टाइगर को
खतरे में डाल दिया क्योंकि मैं टाइगर को बहुत प्यार करता हूँ. ठीक है, बहुत प्यार करते हो तो फिर 20 टाइगर मरेंगे तो आपको दुख होना चाहिए ना. तो आप समझ सकते मैं क्या कह रहा हूँ. मेरा कहना यह है कि ये जो हुआ ये हमें जोड़ना चाहिए था. हम सब जुड़ जाते तो एक परिवार सही रहता. टाइगर के डिफेंस, टाइगर को प्रोटेक्शन करते करते सही प्रोटेक्शन होती. लेकिन टाइगर तो टाइगर है, लेकिन इंसान तो इंसान है. झगड़े 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 में बीच में ना तो टाइगर T24 को भला हुआ और ना हम जुड़ भी गए. तो क्या होगा कल, ऊपर वाला जाने. आपसे पूछना है वॉरेन, आपका डिस्ट्रीब्यूटर US, कनाडा और इंडिया में कौन है? क्या हम डिजिटली भी ये फिल्म देख सकते हैं थिएट्रिकल के बाद? Yeah, so my distributor in Canada and the US is Elevation Pictures and Universal Pictures, and it just got digitally released over there. We had after a limited theatrical. In India, it's AA Films, Anil Thadani's company, and we're releasing it theatrically, and we don't have a streaming digital release distributor yet or date yet, so I hope to have one. Because that'll be the widest way to go across the country. But I think initially I'm going to focus on the theatrical, and hopefully that works out. You know, as an audience, Rupali, and as a woman who stands up for nature, why do you think people should go and watch Tiger 24, and why in the theaters? So firstly, as as representing Make My Earth Green Foundation, I really believe that the ecosystem has to be balanced. I believe that the trees have to be there. I believe the ecosystem has to be in complete balance, because wo hamare liye hain. We are surviving because they are there. Maine bachpan mein ek line suna tha jahan par kaha gaya tha ki sher se van hai aur van se hum hai. To उस चीज़ को लेकर मुझे लगता है कि नहीं, जैसे इन सब एक्सपर्ट्स ने कहा कि इनकी नॉलेज में मुझसे बहुत ज़्यादा है. इनकी नॉलेज के आगे मुझे लगता है कि मेरी नॉलेज बहुत कम है, मगर यस, इतना जानूंगी कि शेर, जैसे मैंने कहा कि शेर से वन है, वन से हम है. अगर हमें बचना है तो हमें शेर को बचाना बहुत ज़रूरी है. अगर हम पर्टिकुलर इस स्टोरी के ऊपर आए, T24 के ऊपर, तो एक जैसे मैंने कहा कि आप सबने पूछा कि वो मैन ईटर है, वो बट वो एक हार्ट स्टीलर था मेरे लिए. आई वॉज इन लव विद हिम एंड सच अ ब्यूटिफुल एनिमल. इसकी स्टोरी सुनने के लिए जब मुझे बताया गया कि ये इसकी प्रीव्यू हो रही है, नॉट इवन वन सेकेंड आई टुक, अदरवाइज अनुषा नोज दैट हाउ काइंड ऑफ टैंट्रम्स आई सो नो आई एम नॉट देयर, बट आई जस्ट गेव अ कॉन्फर्मेशन इन 5 मिनट्स. आई से आई एम कमिंग फॉर दिस because I know that how important this subject was for my country, how important this subject as a representative of my Make My Earth Green Foundation is, how important this subject for education, for all our future prospect it is, and we all should know the story so that we can save the future.